गौरव पथ कैंप वन रोड स्थित पोटी श्री रामलु चौक में भिलाई तेलुगु समाज द्वारा अमर शहीद पोटी श्री रामलु की 70वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर समाज के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी भिलाई तेलुगु समाज द्वारा अमर शहीद पोटी श्री रामलु की पुण्यतिथि कैंप वन गौरव पथ स्थित पोटी श्री रामलु चौक में मनाई गयी। सर्वप्रथम भिलाई तेलुगु समाज के अध्यक्ष बी जोगाराव ने अमर शहीद पोटी श्री रामलु की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात समाज के लोगों द्वारा प्रतिमा पर फूल चढ़ाया गया। पी मुरहरी एवं के येरन्ना ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर शांति प्रार्थना की। अध्यक्ष बी जोगाराव ने कहा कि अमर शहीद ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए 58 दिनों तक आमरण अनशन कर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, तब आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना। जी राव साहब, बताएंगे आज क्या आयोजन किया जा रहा है पोटी श्री रामलु चौक? आज अमर शहीद पोटी श्री रामलु जी का पुण्यतिथि के अवसर पर भिलाई तेलुगु समाज के तत्वाधान में प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी अमर शहीद पोटी श्री रामलु को हम लोगों ने याद कर रहे हैं और तेलुगु समाज के द्वारा ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि अमर जीवी पोटी श्री रामलु का जो बलिदान कुर्बानी, उनके जो दिए हुए मार्ग पर चलने के लिए हमने संकल्प लेते हैं। अमर शहीद पोटी श्री रामलु आंध्र प्रदेश के लिए 58 दिन अमरण आसन करके उन्होंने अपने प्राण को त्यागा और बलिदान दिया, उसके लिए हम लोग हमेशा याद करते हैं। माननीय बद्रुद्दीन कुरैशी जी जब पूर्व राज्य मंत्री था, 2003 में अमर शहीद पोटी श्री रामलु जी का प्रतिमा यहाँ लगाकर हमारे तेलुगु समाज को उन्होंने एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया, सौगात दिया, इसके लिए हम कुरैशी जी को भी धन्यवाद देते हैं। बहरहाल इस अवसर पर मुख्य रूप से वाई भास्कर राव, के पापा राव, वी बैकुंठ राव, गोपाल राव, के हरीश, ए लोकनाथ, ईश्वर राव आदि उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।